टोटल लॉकडाउन का जायजा लेने आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक गोटेगांव पहुंचे और गोटेगांव क्षेत्र का भ्रमण किया। जनता को घरों में रहने की हिदायत। पैदल मार्च करते हुए लोगों द्वारा सम्मान में बजाए जा रहे शंख घंटी तालियों का वादन स्वीकार किया। नरसिंहपुर की जागरूक जनता है वो दे रही है। आज दूसरा दिन है, ऐसे करके हमको कुल मिला के 14 दिन निकालना है और ये 14 दिन यदि इसी 2 दिन की तरह निकल गए तो मुझे लगता है कि हम ये कोरोना की जो महामारी है उससे मुक्त पा जाए। निश्चित तौर पर सर बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, ठीक। क्या अभी भी और सख्त कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है? आज हमने काफ़ी सख्त कार्रवाई की है। 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ आज हमने की है। अब कुछ नासमझ लोग हैं जो उसी तरीके से समझते हैं। मैं उनको उम्मीद करूंगा कि आज जो सख्त कार्रवाई हुई है उससे आगे के लिए लोगों को थोड़ा मैसेज मिले। लॉकडाउन का जो उद्देश्य होता है वो होता है एक पॉपुलेशन को सीमित करना, और सीमित करके फिर दूसरा उद्देश्य शुरू होता है कि लोग जो हैं वो अंदर रहें। तो हमें दोनों अचीव करने हैं। हम ये चीज़ जो अचीव कर पा रहे हैं, जो गोटेगांव में हो चाहे पूरे ज़िले में हो, लोग हमें इसका समर्थन कर रहे हैं। ये कुछ परसेंटेज हैं, एक दो जो नहीं समर्थन कर रहे हैं उन पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। जैसे आज हमने करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया नरसिंहपुर में, ऐसी ही आने वाले दिनों में हम हर जगह कार्रवाई करेंगे। लोगों से अपील है कि लोग हमारा समर्थन करें। यहाँ भी लोग बहुत अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी सपोर्ट करें। और यह सपोर्ट का असली तरीका यही है कि वो अपने घर में रहें, किसी से मिले ना, कहीं जाए ना, कहीं आए ना। ये करना ही उनके लिए भी और हमारे लिए भी, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, प्रशासन के लिए, ये हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए ज़रूरी है। तो सभी से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो प्लीज़ अपने घर में रहिए, किसी से मिलिए मत, किसी से कोई अनावश्यक किसी से कोई मेल मिलाप मत करिए। ये आपके लिए नहीं, ये हम सबके परिवारों के लिए आवश्यक है। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।